हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का दीप टेक यूट्यूब चैनल में। गाइज, आपको इस चैनल पर टेक, इंटरनेट प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, ऐप रिव्यू, मोबाइल टिप्स आदि से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। अगर आपने अभी तक दीप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने पर भी अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो गाइज निराशा होती है, जिससे वीडियो बनाने में भी कोई मज़ा नहीं आता। प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो गाइज़, आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि लेटेस्ट नहीं होगा, एक पुराना ही टॉपिक है एपीएम से रिलेटेड। तो गाइज़, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, वो इस वजह से क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आई थी कि भाई एक दिन का गैप तो लिया करो एपीएम देने में। तो गाइज़, वो इसी वजह से मैंने एक दिन का गैप लिया था कल, कि अगर एपीएम सेटिंग देता हूँ तो कम मिनिमम 1 डेज का गैप तो होना चाहिए। तो गाइज, इसी वजह से मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की, हालांकि मैं बनाने लग रहा था, फिर भी मैंने बनाते बनाते बीच में ही रुक गया। तो गाइज, वो जो कल मैं आपको वीडियो देने वाला था वो मैं आज आपको दूंगा। तो गाइज, आज जो एपीएम सेटिंग होगी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग, यूजफुल, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो गाइज़, आज की जो वीडियो होगी, आई मीन एपीएम होगा, ये काफ़ी आपके फोन डिवाइस में काम करेगा और अच्छे से काम करेगा, और हो सकता है कि लॉन्ग टाइम तक काम करे। तो गाइज़, जिन डिवाइस के अंदर ये एपीएम वर्क करेगा तो उनके डिवाइस में लॉन्ग टाइम तक ये एपीएम चलेगा, और जिन डिवाइस में ये वर्क नहीं करेगा वो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, हो सकता है वो वाला एपीएम आपके डिवाइस में चल जाए। तो गाइज़, सबसे पहले आज मैं आपको इसकी स्पीड दिखाना चाहूँगा, क्योंकि स्पीड जो है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो स्पीड मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वो इसी एपीएम की स्पीड होगी गाइज़। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं रात को वीडियो बनाता हूँ, तो गाइज़ यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो क्या टाइम हो रहा है, 11:41, वो भी दिन के। तो उन जो मेरे व्यूवर्स है जो बोलते हैं कि रात को वीडियो बनाता हूँ, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि भाई फ्राइडे का आज डे है और 11:41 हो चुके हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम जो है ये है, और गाइज़ मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पर AM PM नहीं लिखा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा। तो गाइस, देखते हैं यहाँ पे क्या स्पीड मिलती है। स्पीड टेस्ट ओकला को मैं ओपन करने वाला हूँ। सो गाइस, हमारा यहाँ पे स्पीड टेस्ट ओकला जो है ओपन हो चुका है, और यहाँ पे जैसे ही फाइंडिंग सर्वर हो जाता है उसके बाद मैं इसकी अपलोड और डाउनलोड स्पीड दोनों दिखाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे जब आपको डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड देखोगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो एपीएम है आपके फ़ोन में काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे जो डाउनलोड स्पीड है वो इसकी एक जहाँ पे भी है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा बहुत अगर अंतर आता है तो अप डाउन में इतना ज़्यादा नहीं है, बट गाइज आप देख सकते हो एकदम कॉन्स्टेंट लाइन चली हुई है। अपलोड स्पीड जो है आपकी अप डाउन होगी काफ़ी ज़्यादा, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये जो एपीएम है आपके डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है, और जिस डिवाइस में चल गया उस डिवाइस के बल्ले बल्ले। तो गाइज़, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये अपलोडिंग ख़त्म होती है तो देखते हैं कि इसकी सेटिंग क्या होगी। तो इसके लिए आपको चलना होगा सीधे सेटिंग में। तो गाइज, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड जो थी हमारी कॉन्स्टेंट थी, अपलोड स्पीड हमारी जो है अप डाउन हो जाती है बीच बीच में, बट जो डाउनलोड स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट चली हुई थी, इसमें अप डाउन आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला होगा। तो गाइस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके डिवाइस में ये एपीएम सेटिंग चल जाती है तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक इस एपीएम सेटिंग को रखना होगा, क्योंकि ये जो एपीएम सेटिंग है गाइस काफ़ी यूजेबल है। तो गाइस, मैं आज आपकी इसकी एपीएम सेटिंग दिखाने वाला हूँ, तो आप जिस भी नेटवर्क पर या सिम पर करना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन से सिम या नेटवर्क पर करना चाहते हो, बस मैं आपको यहाँ पर सेटिंग बता देता हूँ। आपके पास चाहे आइडिया हो, वोडाफोन, BSNL, एयरटेल, कोई सा भी हो, तो गाइस आपको सबसे पहले नेम में लिखना होगा GPRS स्पेस इंटरनेट। GPRS जो होगा गाइज कैपिटल में होगा, और इंटरनेट जिस तरीके से लिखा हुआ है आई कैपिटल के साथ ऐसे ही लिखना है। इसके बाद एपीएम आता है, तो एपीएम में आपको अपने एपीएम का नाम लिख देना है। अगर आपके पास जोन सा भी सिम है, जैसे वोडाफोन हुआ तो वोडाफोन नेट, आइडिया हुआ तो इंटरनेट, एयरटेल हुआ तो एयरटेल GPRS.com, BSNL हुआ तो BSNL.net, और आपके पास जियो है तो जियो नेट। ये लिखने के बाद आपको सेव करना है एपीएम में, ओनली बस एपीएम में आपको चेंज करना है, बाकी सब सेटिंग सेम रहेगी। प्रॉक्सी पोर्ट यहाँ पे नो सेट रहेगा। यूजर नेम पे आते हैं तो आपको यूजर नेम में लिखना है @ कैपिटल में होगा सब कुछ LTE GPRS विदाउट स्पेस, तो इसको सेव कर लेना है। पासवर्ड नो सेट रहेगा। सर्वर पे आते हैं तो आपको सी वही पहले वाला गूगल का सर्वर दे देना है। एक बार फिर मैं वैसे आपको बता देता हूँ, https://www.google.com ये आपको सर्वर देना है।
MMSC, MMS Proxy, MMS Port, MCC, MNC, ये सब गाइज नो सेट रहेंगे। ऑथेंटिकेशन टाइप पे आते हैं तो आपको यहाँ पे लास्ट वाले पे क्लिक करना है, PAPO CHAP, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये सेटिंग सेव करनी है। बाद में नेक्स्ट आता है एपिन टाइप, तो एपिन टाइप में आपको सिंपली डिफ़ॉल्ट लिखना है। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा। APN प्रोटोकॉल में आते हैं तो IPv4/IPv6, APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी IPv4/IPv6। अब गाइस लास्ट आता है हमारा BRR, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस APN सेटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे बस दो ही BRR आपको सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहला होगा LTE और सबसे लास्ट होगा GPRS, ये दो आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर आपके डिवाइस में एक से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप GPRS को रहने दें, ओनली LTE को सेलेक्ट कर लीजिएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं, तो अभी से पिन सेटिंग को आपको सेव करना है। सेव करने के बाद अगर आपको यहाँ पे आपके पिन सेटिंग शो हो जाती है, इसका मतलब आपने अच्छी पिन सेटिंग की है। अगर नहीं शो होती है तो उसको दोबारा से चेक कीजिएगा कहाँ पे आपने मिस किया है। तो गाइज इस तरीके से आपको ये पिन सेटिंग करनी है। और इंटरनेट चलाने के बाद, चलाने से पहले आपको अपने फ़ोन को रिबूट, स्विच ऑफ करके ऑन या फिर एयरप्लेन मोड से भी काम चला सकते हो, ये सब कुछ कर लेना है गाइज, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बताता आया हूँ। तो गाइस मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।